हेलो, वेलकम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है प्रियंका फलसवाल और आप देख रहे हैं फलसवाल्स क्रिएशन। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बनाएंगे कुछ कुशन कवर्स घर पर और सजाएंगे अपने घर को इस फेस्टिव सीजन में बहुत ही इजी वे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे फर्स्ट कुशन कवर के लिए हम लेंगे एक एम्ब्रॉयडरी लूप और इसे बिल्कुल कुशन के सेंटर में प्लेस करेंगे। इसके बाद इसे फिल करेंगे रेड फैब्रिक कलर से। यू कैन ऑल्सो यूज एक्रेलिक कलर, बस डोंट मिक्स इट विथ वाटर। जैसे ही हमारा कलर ड्राई होगा, हम इसके ऊपर शुरू करेंगे अपना दूसरा स्टेप। तो कलर के ड्राई होने पर हम पेंसिल की हेल्प से या फिर आप स्केच पेन भी ले सकते हैं, अपना डिजाइन मार्क करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे वॉली पेंटिंग इंस्पायर्ड ये कुशन कवर बनाना। दोस्तों, ये कुशन कवर भी एक ओल्ड दुपट्टे पर बनाया है। कुछ और आइडियाज भी आपको इसी दुपट्टे पर वीडियो में दिखेंगे। सो अब हम वॉली पेंटिंग के लिए ये वाला ब्रश यूज़ करने वाले हैं एंड फाइबर क्रिस्टल के फैब्रिक कलर्स हम यूज़ करेंगे। वॉली पेंटिंग से इंस्पायर्ड एक वीडियो मैंने पहले भी शेयर करी थी अपने चैनल पे, लिंक आपको आई लिंक में दिख रहा होगा, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वॉली पेंटिंग का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक प्रोवाइड करेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपसे कोई डिज़ाइन क्रिएट नहीं होता है तो कभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन मत बनाने की कोशिश किया करिए, बिकॉज ब्यूटी लाइज इन द सिंप्लिसिटी। आप जितना क्लैरिटी से, जितना सिंपल डिज़ाइन बनाएंगे, आपकी वॉली पेंटिंग या फिर कोई भी पेंटिंग उतनी ही क्यूट और प्यारी लगेगी। सो इसी तरीके से हम और डिज़ाइन को क्रिएट कर लेंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम बना रहे हैं, जस्ट ट्राइंगल है और उसे फिल कर रहे हैं एंड सी हाउ इट लुक्स। हमारे सेकंड कुशन के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं कोई भी प्रिंटेड डिस्कार्डेड क्लोथ, जैसा कि यहाँ हमने लिया है। आप कोई भी प्रिंट इस तरीके से पिक कर सकते हैं और फिर इसे सीजर की हेल्प से शेप देकर कट कर लेना है इस तरीके से। और फिर हमारा ये कुशन कवर कट करके हमने रखा हुआ है, इस पर हम फिर से एम्ब्रॉयडरी हुप लगाएंगे ऐसे। और देखिए दोस्तों, इसके बाद जितने भी कटिंग हमारे पास हैं उन्हें एक बार डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से लगाने से वो सुंदर लगेंगे, ये जैसे हम डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद ग्लू गन की हेल्प से इसे थोड़ा सा स्टिक कर लेंगे। हम बाद में थ्रेड की हेल्प से इसको पूरा प्रॉपर सिक्योर करेंगे, बट जस्ट आपका डिज़ाइन कहीं हिले ना, इसलिए इस ग्लू गन को हमने यूज़ किया है। तो दोस्तों, हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सिक्योर हो चुका है। अब निडल एंड थ्रेड की हेल्प से यहाँ पर हम ले रहे हैं येलो कलर का थ्रेड और छोटे छोटे टांके हम लगाएंगे और इसको सिक्योर कर लेंगे। बाय द वे दोस्तों, अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियोस देखी हो तो आप रिकॉल कर सकते हैं कि ये जो येलो कलर का कपड़ा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो राजस्थानी क्राफ्ट में पिलो कवर में भी लगाया था। सो वो भी एक पिलो कवर का, कुशन कवर का आइडिया है। आप लिंक में ज़रूर चेक करिएगा, वो आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा।
हमारे थर्ड कुशन कवर के लिए हम ले रहे हैं कुछ अनयूज्ड बटन्स जो यूजुअली हमारे कभी काम नहीं आ पाते हैं, बहुत रेयरली काम आते हैं, तो इनको आज हम यूज़ करेंगे कुशन कवर आइडिया में। सारे बटन्स को लेकर ग्लू गन की हेल्प से हम इस तरीके से स्टिक कर लेंगे। छोटा बड़ा आप देख लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद हमें वूल लेनी है, आप कोई भी कलर की एक वूल लीजिए और साइड में इस तरीके से छोटा छोटा फ्लावर को फ्लावर की शेप दे दीजिए। आप एम्ब्रॉयडरी हुक भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ये देखिए एक फ्लावर मैंने बना दिया है, सेकंड फ्लावर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से सारे बटन्स के फ्लावर्स आप बना दीजिए। सारे बटन्स के अराउंड वूल लगाने के बाद ये फ्लावर्स की तरह लगने लगे हैं। अब ब्लैक और ब्राउन कलर की अगर आपके पास वूल है तो उससे हम इनकी स्टेम्स बनाएंगे। आप चाहें तो लंबा वाला कट भी ले सकते हैं जिस तरीके से मैंने बनाया है। अगर आप चाहें तो बेल भी बना सकते हैं। बिकॉज आई एम नॉट दैट मच गुड इन एम्ब्रॉयड्री तो मैंने इसे सिंपल ही रखा है। बट अगर आपकी एम्ब्रॉयड्री अच्छी है तो आप वो भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। अब इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अपने थर्ड कुशन कवर पे। ये डिस्कार्डेड क्लोथ एक दुपट्टा था, देख सकते हैं आप कि थोड़ा सा पतला है। इसके नीचे एक कवर आपको लगाना पड़ेगा ताकि ये होल्ड कर सके। अब इसके बाद हम इसके ऊपर यूज़ कर रहे हैं एक्रेलिक कलर। ये एक्रेलिक कलर अगर आपके पास नहीं है तो आप रेड कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर को मिक्स करेंगे तो यही कलर आपके पास आएगा। अब इधर हम कुछ स्टेम्स बना देंगे इस तरीके से। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन आपको क्रिएट करना है तो इसमें आपको जितना अच्छा लगे आप उतना कर्व दीजिए दोस्तों। और बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा डिज़ाइन ये क्रिएट होगा एंड आई गेस ये सबसे ज़्यादा इजी कुशन कवर होने वाला है। सो यहाँ पर थोड़ा सा कर्व भी हम दे ही देते हैं दोस्तों। और जैसे ही हमारा पेंट ड्राई होगा हम अपना दूसरा स्टेप शुरू करेंगे। तो कुशन कवर के ड्राई होते ही हम इस पर लगाने वाले हैं ये प्यारे प्यारे पॉम पॉम। तो ग्लू गन की हेल्प से आप इसको स्टिक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो थ्रेड की हेल्प से भी इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो बस ऐसे आप अपने पॉम पॉम को यहाँ पर लगा दीजिए एंड दैट इज कंप्लीट। तो हमारा लास्ट कुशन कवर है दोस्तों मधुबनी आर्ट पर। बहुत ही प्यारा आर्टवर्क होता है मधुबनी आर्टवर्क। इस पर विस्तार में एक कभी अच्छी सी वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर थोड़े से पेंसिल की हेल्प से कुछ डिज़ाइन क्रिएट कर लिए हैं और ये कार्डबोर्ड हम लगा रहे हैं यहाँ पर वो सिर्फ इसलिए कि नीचे वाले जगह पर भी ये पेंट लग ना जाए। तो हमने यहाँ पर बनाई है कुछ फिश और इनको ही हम ब्लैक कलर करेंगे।
इसमें भी बहुत सिंपल डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। ये बहुत आप कोई भी आसानी से इस तरीके से फिश को बना सकता है। 3 फिश हम बनाएंगे एंड उसके बाद इसे ब्लैक कलर से कम्प्लीटली फिल कर देंगे, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। हमारी थर्ड फिश भी इस तरीके से रेडी हो जाएगी। इसके बाद हम थोड़ा बॉर्डर्स को भी फिल कर लेंगे ब्लैक एक्रेलिक कलर से। दोस्तों एक्रेलिक कलर्स अगर आपको यूज़ करने हो अपने फैब्रिक पे, तो एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कभी भी फैब्रिक कलर यूज़ करते हैं या एक्रेलिक कलर्स यूज़ करते हैं किसी भी फैब्रिक के ऊपर, तो हमेशा 2 दिन के लिए इसे ड्राई होने दिया करिए। एंड जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद इसको उल्टी तरफ से आयरन ज़रूर किया करिए। इससे आपका डिज़ाइन बिल्कुल सिक्योर हो जाता है और आपका प्रिंट बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल लाइंस एंड डॉट्स का ही कमाल है जो मधुबनी आर्ट्स को इतना ज़्यादा, आर्ट वर्क को इतना ज़्यादा प्यारा, डिस्टिंक्ट और अच्छा बना देता है। तो ये अट्रैक्टिव से आपके पास पिलू कवर, कुशन कवर्स बन सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, और आप अपने घर को इस फेस्टिव सीजन में बहुत ही अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई विल बी बैक विद अ फन वीडियो नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।